ये तस्वीरें भले ही धुंधली हैं, लेकिन ये उस समाज का आईना जरूर हैं जो सभ्य होने का दम तो भरते हैं, लेकिन ये दम और दावे कितने खोखले हैं जिन्होंने दो जिंदगियों को ले लिया। घटना मेवात के गुंडरी गांव की है, जहां एक और विवाहिता दहेज की बलि चढ़ गई। इतना ही नहीं, विवाहिता को आशंका थी कि उसके बाद उसके बच्चे का क्या होगा, इसलिए उसने अपने साथ साथ अपने 1.5 साल के बच्चे की भी जान ले ली। महिला ने अपने बच्चे के साथ कुएं में छलांग लगाकर मौत को गले लगाया। मृतका के परिजनों ने इंसाफ की गुहार लगाई है। परिजनों का आरोप है कि उन्होंने शादी के वक्त अपनी हैसियत के हिसाब से दहेज दिया था, लेकिन ससुराल पक्ष के लोग और दहेज की मांग कर रहे थे। मैंने 1 किलो के कड़े दिए थे और बाइक दी थी, मोटरसाइकिल दी थी, और मैंने 51,000 रुपए दिए थे। हाँ, मैंने अपने हैसियत के मुताबिक सारा दहेज दान दिया था। उसके बाद भी ये पटान करते थे। बस ऐसी कुछ तो जेवरी ले लियो, या को असली है कड़ा, हाँ ऐसे जेवरी पे ही है, या को जेवर छीना ली लड़की को, इनने और भी मांगे जरा बाप लोग कुछ ना दियो दहेज जो है। हम भी कह रहे हैं कि कोई बात ना, दहेज खाली लड़की तो बढ़िया चल रही, लेकिन रुचि ना है लड़की की तो मजबूरी। मृतका के ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर पुलिस तफ्तीश में जुट गई है। पुलिस का दावा है कि जांच के बाद मामले की पूरी हकीकत सामने आ जाएगी। एक लड़की अपने बच्चे को लेकर कुएं में डूबी है, तो हमने कुएं से डेड बॉडी निकाल के और पोस्टमार्टम अभी करवा रहे हैं। केस रजिस्टर कर दिया हमने लड़की के भाई के बयान में, 306 IPC का केस रजिस्टर किया और पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। जैसे भी आगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इन्वेस्टिगेशन में आएगी, तफ्तीश की जाएगी। दिल दहला देने वाली ये तस्वीर सिर्फ मेवात जिले की ही नहीं है, बल्कि ये हकीकत देश के उन तमाम हिस्सों की है जहां आज भी दहेज के लिए उन बहुओं को सताया जाता है जो किसी की बेटी है, बहन है या फिर किसी की माँ। तस्वीर वाकई भयावह है, लेकिन सवाल फिर भी वही पुराना है कि आखिर कब तक दहेज का दंश महिलाओं की जान लेता रहेगा। फोकस हरियाणा के लिए मेवात से कासिम खान की रिपोर्ट।